रहे थे, आप हंस का है रहे थे हैं? मेरी मना नहीं। तो गाइस गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी आफ्टरनून है, 4 बजे हुए हैं और कल से जब से, हाँ वेलकम बैक टू माय चैनल, ये मैंने नहीं बोला। और कल से जब से मैंने वो मराठी लुक रिक्रिएट किया है ना, तब से ये मेरे को बस एक ही नाम से पुकारे जा रही है, मराठी मुलगी। हाँ मराठी मुलगी, मुलगी मुलगी बना रही थे। हाँ तो कल से ये बस मेरे को वही की जा रही है कि मराठी मुलगी। और आज देखो घर पे कौन है? पापा, जो घर पर रहते ना तो कभी ना काम किए नहीं रह पाते, तो इसलिए वही काम कर रहे हैं। और मैंने बस अभी खाना खाया और खाने में बना था, इसमें बस सारे तूने एग मेरे को ही दे दिए थे, तो इस बना था एग करी सिर्फ मेरे लिए। तो अभी मैंने बस वो खाया, अभी थोड़ी देर बाद में मैं वर्कआउट करने जाऊंगी। हाँ तो अभी मैं एडिट करूंगी कल का ब्लॉग। इसके रिएक्शन कैसे चेंज हो जाते हैं पता है? दो मिनट में इसके रिएक्शन चेंज हो जाते हैं। अभी मेरे को देख के ऐसा कर दिया, जाते रह जाना हो तो। और अभी जैसे वीडियो के सामने आया ना, ऐसे जाते रह जा रहा है तू। सिबली तो का पापा जो काम कर रहे थे वो उनका काम हो गया, और जिस काम में मेरी जरूरत नहीं है उस काम में वो मेरे को ले जा रहे हैं। वाह बाहर आसमान इतना प्यारा लग रहा है, ये देखो। कैसा शांति से नीचे रख दिया। सारे पॉलीथीन और ऐसी सारी चीजें ना, कुछ भी मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी होंगे ना, वो भी ये लोग उसको क्या बोलते, गद्दे के नीचे। हाँ गद्दे के नीचे रखा है। और अभी इनको पॉलीथीन चाहिए थी, वो भी उन्होंने वहीं से निकाली है। क्या खोटी खोटी आया करेंगे काम, कहीं नहीं करे कैमरा के सामने हंसते रह जाते हो ना तुम लोग। अभी अभी इन लोगों का इतना सीरियस मूड था ना, और अभी कैसे हंस रहे हैं। पापा इतना काम करते ना, और उसके बाद भी लास्ट में मम्मी उनको जब ऐसे कहते हैं ना कि आप करते ही क्या हो, तो उनको इतना गुस्सा आता है ना। और अभी मम्मी ने वही किया। जो अभी मम्मी कह रही थी ना कि किया ही क्या, वो वही कह रही थी। बहुत सारा काम किया इसके लिए मैंने, चिड़ा जो पीना करे ना बस अभी निकलो करो। क्या क्या जब तक क्या कैसे कैसे बिना कोई सेंस की बातें कर रहे हो। इन लोग को जरा सा भी है कि मुड़ के एक दफा देख ले, नहीं देखे नहीं एक भी दफा मुड़ के, पर नहीं वो जा रहे थे एक दफा, कहा कि जा रहे हैं हम जा रहे हैं। यार मैं क्या बताऊँ ना, ये डेली व्लॉग्स के चक्कर में ना बहुत झंझट है इसमें, बताए इतने अभी तक मेरी एडिटिंग ही नहीं खत्म हो रही है, मेरी एडिटिंग में ही मेरी पूरी जिंदगी निकल जानी है, क्या पता। गाइस आज ना मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आज आप देखोगे कैच कौन ऊपर आया है। मम्मी आज आप ऊपर कैसे? मैं मेरे काम से आई हूँ, वरना मैं ऊपर आती नहीं। और क्या काम है आपका? क्या है ये?
जूस, जूस टमाटर का जूस, टमाटर का जूस ये स्टॉक करके रखेंगे बताओ। एक ग्लास और यहाँ पे कामगिरी चालू है, थोड़ा काम चालू है। देखना जरा ये इसने कैसे सजा के रखा है कि कोई भी गलती से खोल लेना तो यही समझे कि जरा टेस्ट करके तो देख लो ये है क्या। अच्छा लगेगा टेस्ट में भी, टमाटर का जूस कौन तो टेस्ट करता है भाई, जूस है इसलिए बॉईल करके रखे। हाँ तो कितना गंदा टेस्ट आया उसका टेस्ट, तो जिसको अच्छा लगता है सूप तो अच्छा। हाँ तो हम लोगों को तो नहीं अच्छा लगेगा ना, थोड़ी ना कोई टमाटर उबाले हुए खाएगा पिएगा। सी बात कर रहे हो आप। तो गाइज हर एक दिन, हर रोज के दिन एक जैसे नहीं होते, कभी कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिन होते हैं जिसके अंदर मैं बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास करने को, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आप देख सकते हो रात के बज रहे हैं 11:30 है ना, 11:30 हो रहे हैं कि बजे है अभी रात के 11:30, और आज पूरे दिन का नहाया मैंने एक बार अभी। कभी कि कभी मैं दिन में 4 दफा भी नहा लेती हूँ। एक व्लॉग है जिसके अंदर मैंने दिन में 4 दफा नहाया है, दिवाली का दिन है या ऐसा कोई दिन है कि मैं बार बार बाहर जा रही थी और फिर आके मैंने बाहर वापस से नहाया। तो हाँ, और आज आपको पूरे व्लॉग में ना मम्मी के नुस्खे देखने मिलेंगे। आज ये व्लॉग का नाम ही मैं मम्मी के नुस्खे रख दूंगी, क्योंकि आज मम्मी ने टोमेटो सूप बनाया जिसको आप स्टॉक करके रख सकते हो। और ये देखना जरा ये क्या बनाया है, बताओ जरा, दिखेगा तो ऐसे नहीं, पता तो नहीं चलेगा ऐसे। पात्रा, उसको भी मैंने, सॉरी गाइस जो है मेरे को बीच में किसी का कॉल आ गया था। चलिए चाय पी लीजिए। तो अभी मैं आपको कंटिन्यू करते हैं कि ये ऐसा क्या है। और ये चाय बन रही है, आप अपनी बात बीच बना रखो और मैंने जो बोला है उसका जवाब दो। नहीं हो मजाक कर रही हूँ, फिर तो बुरा लगा लेगी और फिर मैं इसको बोलूंगी ना कि हाँ, तो फिर ये इसके डायलॉग आएंगे कि हाँ भाई तुमने जैसा बोला है हम तो उतना ही बोलेंगे। ऐसी मैं मेरी मम्मी को ना रग रग से पहचानती। हाँ पता है। हाँ तो ये क्या है ऐसा? ये पात्रा है, पात्रा उसका नाश्ता बना लिया था। इसको तल के ना इसको फ्राई करने का है, इसको स्टॉक ही किया है ना, मतलब कैसे आप जो है बताइए अपने माइक में, मतलब माइक तो नहीं है, इसको इसे स्टॉक किया था जैसे ऐसा बना के। ये किसके पत्ते होते हैं? अड़वई के। वो तो सबको पता होता है, और किसी को नहीं पता हुआ तो पता, कोई हमारी तरह गुजराती नहीं हुआ तो। अड़वई के पत्ते के भजिए है ये पात्रा, उसको मैंने ज्यादा क्वांटिटी में बना लिया था क्योंकि इसको बनाते हैं ना बहुत देर लगती है, तो मैंने इसको कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में बना लिया और फिर ज्यादा क्वांटिटी में बना, मतलब इसको बार बार वो बनाना ना पड़े ना, इसलिए इसने एक दफा ही बॉईल करके और ये जैसे भी बनता है वैसे बना के स्टॉक करके फ्रीजर में रख दिया, और जब भी आपको उसको खाना हो ना तब बस उसको बाहर निकाल के, और अगर आपके पास ओवन है तो उसको वो क्या डिफ्रोस्ट करना होता है, और या तो आप ऐसे पैन पे भी करके कर सकते हो जैसे यहाँ पे किया है, और इसको ऐसे जो मसाले वसाले के साथ करके खाते हैं जैसा पात्रा अड़वई है ना, अड़वई होती है जो, वैसा खा सकते हो, और अगर ऐसे करके ऐसे काट के और उसको फ्राई करके भी खा सकते हो, वो नाश्ता भी अच्छा लगेगा बस। और मुझे लगी है भूख, खाने में क्या है ये मत बोलना कि इंडा कड़ी परी हुई है वही खा लो। इंडा कड़ी नहीं बनी तो तेरे को मैं लाऊंगी, तेरे को मैं दूंगी को वही पड़ी कुछी सब्जी बोलूंगी, देखना ही है। पड़ी कुछी सब्जी नहीं बोलूंगी मैं, तो आलू की सब्जी बनाऊंगी। देख इसके लिए टमाटर की प्यूरी काट के रखी है, रसे वाली आले आलू की आले रसे वाली मस्त कोरी मोरी, मतलब बहुत रसा भी नहीं। नहीं जो तू मेरे को पसंद है वैसी बनाना। हाँ चल ऐसी बना, ठीक है। इसके हाथ के मेरे को ना एक वो फेवरेट है, ऐसे गुजराती टाइप की बनाती है ना, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो मैं कभी भी बनाई ना खा लूं तो अभी वो बनाना, ठीक है।
सो यार दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.